हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी एमटीएस 2021 के 5 अक्टूबर के 3rd शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द क्रॉ हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विथ इट्स क्लाउज। मतलब कौवा जो है वो क्या कर रहा है, ब्रेड को जो है अपने पैर से मतलब पकड़ा अच्छा से, तो पैर से वो पकड़ा है। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, ये हमें बताना है। तो क्या टू द पीस तो राइट है, इसमें कहीं एरर नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो एरर है वो यहाँ पे हेल्ड बैक में है। हेल्ड बैक जो है, हेल्ड बैक के प्लेस पे यहाँ पे हेल्ड ऑन यूज किया जाएगा। हेल्ड ऑन मतलब क्या होता है, हेल्ड ऑन मतलब होता है किसी के हाथ से या किसी चीज़ को पकड़ना या सहारा देना। जैसे यहाँ पे कौवा है वो अपना क्या कर रहा है, पैर से जो है सहारा दे रहा है किसको, रोटी को, रोटी का जो टुकड़ा है तो उसको सहारा दे रहा है। तो यहाँ पे हेल्ड ऑन मतलब होगा सहारा देना। तो हेल्ड बैक के प्लेस पे हेल्ड ऑन यूज किया जाएगा। तो हमारा किस पार्ट में एरर है, तो हमारा जो है बी पार्ट में एरर है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हेल्ड ऑन मतलब क्या होता है, सहारा देना। ओके फ्रेंड्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, रोहित प्रिपेयर्ड एंड डैश चार्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ एफोरेस्टेशन। रोहित जो है एक चार्ट बनाता है एफोरेस्टेशन के, जिसमें एफोरेस्टेशन का जो बेनिफिट है मतलब जंगलीकरण का जो फायदा है उसके बारे में उसमें बताया गया है उस चार्ट में। तो रोहित क्या तैयार किया, तो क्या यहाँ पे इन्हेंस चार्ट आएगा। इन्हेंस मतलब होता है बड़ा होना, तो बड़ा चार्ट तो नहीं आएगा, ये वर्ड नहीं है सुटेबल। तो यहाँ पे इलाबोरेट मतलब, इलाबोरेट सबसे अच्छा सुटेबल वर्ड है, इलाबोरेट चार्ट ये यहाँ पे यूज किया जाएगा। वैसे फ्रेंड्स इलाबोरेट मतलब क्या होता है, इलाबोरेट मतलब होता है विस्तार से वर्णन करना, वर्णन विस्तार से, विस्तार से वर्णन करना, टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल। तो यहाँ पे बी पार्ट, यहाँ पे सबसे सुटेबल वर्ड कौन सा है, इलैबोरेट। तो बी इज द राइट आंसर। ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, रेस्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं फ्रेंड्स। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। उसके बाद ओरिएंटल, ओरिएंटल मतलब क्या होता है, ओरिएंटल मतलब होता है पूर्व देशों का, पूर्व के देशों का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन हु रीड्स अलॉट, जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम बुक वार्म कहते हैं। बुक वार्म जो ज़्यादा पढ़ता है उनको बुक वार्म कहते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम रेस्ट वर्ड जो बचा है उसका मीनिंग जान लेते हैं। क्लेवर मतलब चालाक, विटी मतलब क्या होता है, विटी मतलब होता है चालाकी से भरा या चतुराई भरा बोल सकते हैं, चतुराई भरा। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, तेज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टीम मेंबर्स विल मीट ऑन ए एयरपोर्ट एट 7 AM टुमोरो। तो यहाँ पे ऑन ए एयरपोर्ट के प्लेस पे क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो टीम मेंबर जो है मिलेगा एयरपोर्ट पे 7 बजे कल। तो यहाँ पे ऑन ए एयरपोर्ट के प्लेस पे फ्रेंड्स, एयरपोर्ट को एक छोटा सा प्लेस है, तो यहाँ पे एट यूज किया जाएगा। सेकेंड ए जो है एयरपोर्ट जो है कोई खास होगा, खास कोई, अगर कोई चीज़ अगर खास हो तो उसको कौन, उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, उसके लिए द आर्टिकल यूज़ करते हैं, इसलिए ए भी नहीं आएगा और यहाँ ऑन के प्लेस पे एट आएगा। तो एट द एयरपोर्ट हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, आफ्टर वी हैड एट अ हर्टी मील वी वेंट टू स्लीप। मतलब खाना के बाद हम लोग क्या, हम लोग सोने चले गए। तो यहाँ पे
हैड है, हैड के बाद क्या यूज किया है, एट यूज किया है। हैड के बाद हमेशा कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है, हमेशा वी थ्री आता है। एट क्या है, एट वी टू है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो एट के प्लेस में क्या आएगा, वी थ्री क्या होता है, इट का, इट का वी थ्री इटेन होता है। तो इटेन हमारा यहाँ पे एट के प्लेस पे इटेन आएगा। तो हमारा किस पार्ट में है एरर है, ऑप्शन सी में एरर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा एक ईडियम है ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब होता है, मतलब नया जो भी ग्राउंड है, नया ग्राउंड को तोड़ना, मतलब कुछ कुछ नया करना, या फिर कुछ कोई चीज़ नया चीज़ की तलाश करना, कुछ नया खोजना या कुछ नया करना। डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, ब्रेक न्यू ग्राउंड मतलब कुछ नया करना या कुछ नया खोजना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हेल्प मी विद द लेसन्स डैश आई शुड फेल। उसने जो है मेरी मदद की, लेसन मतलब पढ़ाया, उसके बाद ऐसा ना हो कि हम फेल ना हो जाए, इसलिए उसने क्या की, उसने मेरी मदद की। तो यहाँ पे शुड, शुड जब आता है तो कौन सा हम यूज करेंगे, तो बिकॉज तो नहीं आता है, अनलेस तो नहीं आता है, सो दैट भी नहीं आता है, शुड आता है, लेस्ट के साथ हम लोग शुड यूज करते हैं। लेस्ट मतलब क्या होता है, ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि। उसने मेरी सहायता की, मतलब लेसन लेसन उसको पढ़ाया और पढ़ा कर उसकी सहायता की, और ऐसा ना हो कि हम फेल ना हो जाएं, इसलिए उसने मेरी मदद की। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स ये यहाँ पे स्ट्रक्चर याद रखना है, लेस्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सूट आता है, उसके बाद भी वन आता है। ये फ्रेंड्स स्ट्रक्चर याद रखना है, नेक्स्ट ये रिपीट होती है क्वेश्चन आ सकता है। अब हम सॉल्व करेंगे एट नंबर के क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन है कौन सा है, जो है स्पेलिंग रॉन्ग है। तो हमारा पहला ये स्पेलिंग रॉन्ग है प्लीजेंट, ये स्पेलिंग रॉन्ग है। तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, यहाँ पे जो ई आया है, ई के प्लेस पे ए आएगा, पी एल ई ए एस ए एन टी। प्लीजेंट मतलब क्या होगा, सुखद, सुखद। परसिस्टेंट, ये स्पेलिंग राइट है। अपना जो रेस्ट वर्ड जो बच गया है, इसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। परसिस्टेंट मतलब क्या होता है, लगातार होता है, कोई चीज़ कंटिन्यूस कर रखना। अकाउंटेंट मतलब जो अकाउंटिंग का काम करता है, लेखाकार। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम। हमको किसी एक चीज़ पर ही फोकस करना चाहिए, इन द टाइम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स किस पार्ट में एरर है, यहाँ फ्रेंड्स एरर है इन द टाइम में। इन द टाइम के प्लेस पे, इन द टाइम के प्लेस पे एट ए टाइम आएगा। एट ए टाइम क्या है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी खास समय पर। हमको किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, जो है खास समय पर, किसी एक चीज़ पर ही फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है एट ए टाइम जो होगा, उसके बाद तो हमारा इस ए पार्ट में एरर है, ए इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेंथ हमारा क्वेश्चन है, प्लीज़ डोंट क्रिएट पैनिक अमंग पीपल ड्यूरिंग दैट डिफिकल्ट टाइम्स। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम्स है, तो दैट तो नहीं आएगा, ये क्या हो गया, प्लुरल नंबर में चला गया, पीएन हो गया, प्लुरल नंबर हो गया, तो दैट तो होगा नहीं, या तो दीज होगा या तो दोज होगा। दीज हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। डोंट क्रिएट पैनिक अमंग पीपल ड्यूरिंग, यह फ्रेंड्स समस्या है, डिफिकल्ट टाइम्स है, मीन्स कठिनाई को दिखा रहा है, बैड सिचुएशन को। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, दीज यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन को। कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है।
इंस्ट्रक्टर का स्पेलिंग राइट है, कॉन्ट्रैक्टर का राइट है, प्रोसिक्यूटर का राइट है, कंपटीटर का रॉन्ग है। इसका राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? सी ओ एम पी, यहाँ पे आई के प्लेस पे ई आएगा, ई टी आई टी ओ आर। कंपटीटर मतलब जो कंपटीशन फाइट करता है, मतलब प्रतिस्पर्धी। उसके बाद फ्रेंड्स रेस्ट जो वर्ड बच गया है इसका मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। इंस्ट्रक्टर मतलब जो इंस्ट्रक्शन देता है एग्जामिनेशन हॉल में, आपने देखा होगा। उसके बाद निर्देश देने वाला। कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर मतलब होता है ठेकेदारी। और प्रोसिक्यूटर मतलब क्या होगा? अदालत में किसी पर आपराधी के लिए आरोप लगाने वाला सरकारी अधिकारी। प्रोसिक्यूटर में मतलब अदालत में अदालत में किसी पर अपराध के लिए आरोप लगाने वाला सरकारी अधिकारी या ऑफिसर, जो भी ऑफिसर होते हैं। तो हमारा सी का हमने मीनिंग जान लिया और प्रोसिक्यूटर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये भी हमने देख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन में हमारा क्या है। आफ्टर द ट्रेक आई फेल्ट अ डैश पेन इन माई लेग। तो हमने क्या फील किया? दर्द महसूस किया, बहुत ज़्यादा दर्द। तो पेन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? बहुत इसका एडजेक्टिव कौन सा सबसे सुटेबल है? स्ट्रिक्ट नहीं है, स्टर्न भी नहीं है, क्या होगा? सीवियर होगा। सीवियर मतलब क्या होता है? गंभीर होता है। तो गंभीर दर्द जो है वो महसूस किया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स रेस्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग जान लेते हैं। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होगा? कड़ी से कड़ी, स्ट्रिक्ट रूल्स होता है ना, मतलब कठोर। स्टर्न मतलब भी कठोर होता है। सावर मतलब क्या होता है? कोई चीज़ खट्टा। अब हम 13th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्या है? पोटेंट। पोटेंट मतलब क्या होता है? पोटेंट मतलब होता है ताकतवर। तो इसका सैनोनिम कौन सा है? इसका सैनोनिम है हमारा पावरफुल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स रेस्ट जो वर्ड है इसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। रेस्ट हमारा वर्ड क्या है? पहला है ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। ग्रेसफुल मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल मतलब होता है सुंदर ही होता है। वंडरफुल मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक। अब हमारा 14th क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स का एंटोनिम बताना है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? जटिल। तो पहला है हमारा जटिल। जटिल का उल्टा क्या होगा? नॉटी तो नहीं होगा, मोटले तो नहीं होगा, सिंपल होगा। कोई चीज़ जटिल है तो इसका क्या हो गया? वो साधारण है, सिंपल है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स इसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। नॉटी मतलब क्या होता है? गांठों से भरा हुआ। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स का ही सैनोनिम है। सेकंड हमारा मोटले मतलब क्या होता है? विविधता पूर्ण। मिक्स्ड मतलब मिला हुआ, बहुत सारा चीज़ मिक्स्ड है, मिला होना। हमारा 15th क्वेश्चन है, रोहन इज क्वाइट पॉपुलर डैश हिज क्लासमेट्स। तो अमंग हिज क्लासमेट्स आएगा कि बिटवीन आएगा कि अलोंग आएगा कि अक्रॉस आएगा? यहाँ पे क्लासमेट मोर देन टू है, तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कौन सा वर्ड है? अमंग है। अमंग प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज करेंगे हम। बिटवीन दो आदमी के लिए यूज करते हैं, और अलोंग जो है ये रोड्स के लिए यूज होता है, अक्रॉस नदी पुल के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा 16th क्वेश्चन है, वैलियंट का एंटोनिम बताना है। वैलियंट मतलब क्या होता है? वैलियंट मतलब होता है साहसी।
साहसी का उल्टा क्या होगा, विपरीतार्थक? तो साहसी क्या होगा, साहसी है मतलब क्या है, वो निडर है, निडर का क्या हो जाएगा, डरपोक, मतलब कोवार्डली, कोवार्डली क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारा रेस्ट जो वर्ड बचा है इसका मीनिंग जान लेते हैं। पहला वर्ड है वर्दी, वर्दी मतलब क्या होगा, किसी बात या वस्तु या कुछ धारण करने के योग्य, मतलब साहसी ही हम बोल सकते हैं एक तरह से, किसी बात वस्तु, किसी बात या वस्तु या कुछ कुछ धारण करने के योग्य, धारण करने के योग्य। अब फ्रेंड्स हमारा जो एक वर्ड है गैलेंट है, गैलेंट मतलब भी क्या होता है, गैलेंट मतलब होता है साहसी, गैलेंट मतलब क्या होता है, साहसी। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर, जो भूमि मतलब उपजाऊ ना हो उसको बंजर बोलते हैं, जो फर्टाइल ना हो। तो इसका आंसर हमने देख लिया, ऑप्शन बी होगा कोवार्डली। अब हम 17th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है लिम्पिड, इसका क्या बताना है, सैनोनिम बताना है। लिम्पिड मतलब क्या होता है, लिम्पिड मतलब होता है अस्पष्ट। तो यहाँ पे किसका मतलब स्पष्ट होता है, ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब फ्रेंड्स रेस्ट जो वर्ड बच गया इसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। पहला है ब्लंट, ब्लंट मतलब क्या होता है, अपने फ्रेंड्स देखा होगा कोई चाकू जो होता है जिसमें धार ना बना हो, मीन्स जिससे ऐसा चाकू जिससे कोई भी सामान जल्दी न कटे, कुंद चाकू, इसको क्या बोल सकते हैं, कुंद चाकू। नाइफ विदाउट शार्प एज। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं हो। सटल, सटल मतलब क्या होता है, सटल मतलब होता है हल्का या सूक्ष्म, हल्का सूक्ष्म, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फेरियर सब्सटेंसेस, किसी चीज़ को इम्प्योर करना मीन्स अशुद्ध करना, अपवित्र बनाना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसमें जो मतलब खराब सब चीज़ डालकर उसको अपवित्र बनाना, मिलावट करना, तो उसको बोलेंगे हम एडल्ट्रेट बोलेंगे। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा एडल्ट्रेट हो जाएगा, मतलब मिलावट करना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स रेस्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग जान लेते हैं। पहला वर्ड है ऑब्विएट, ऑब्विएट मतलब क्या होता है, निवारण करना या समस्या का, कोई समस्या का निवारण करना, समस्या का निवारण करना। एडजुडिकेट मतलब क्या होता है, एडजुडिकेट मतलब होता है निर्णय देना, टू डिसाइड, निर्णय देना। ऑब्लिटरेट मतलब क्या होता है, ऑब्लिटरेट मतलब होता है मिटाना, कोई चीज को मिटाना, टू डिलीट। अब हमारा 19th क्वेश्चन है वी वॉच द वर्कमैन टू बी रिमूविंग द डैमेज्ड टाइल्स, हमने देखा वर्कमैन को, वो क्या कर रहा था, डैमेज टाइल्स को क्या कर रहा था, मिटा रहा था। फ्रेंड्स रिमूव एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव के लिए यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव एज ए वर्ब यूज करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, बेयर इन्फिनेटिव ऐसा, बेयर इन्फिनेटिव मतलब हुआ ऐसा इन्फिनेटिव जिसमें टू लगा हुआ ना हो। बेयर इन्फिनेटिव के तौर पर यूज होने वाले जो वर्ब हैं वो हैं, पहला है रिमूव, उसके बाद है सी, सी के बाद है हियर,
हियर के बाद होता है नीड, नीड के बाद होता है डेयर, उसके बाद लेट, ये सारा हो क्या होता है बेयर इन्फिनेटिव होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है यूज किया जाएगा ओनली क्या आएगा रिमूव आएगा, वर्कमैन के बाद क्या आएगा ओनली रिमूव आएगा आर ई एम ओ वी ई, और इससे पहले ना टू लगेगा कुछ भी नहीं लगेगा, ओनली रिमूव आएगा उसके बाद द डैमेज टाइल्स आएगा। वी वॉच द वर्कमैन रिमूव द डैमेज टाइल्स, हमने वर्कमैन को देखा क्या करते हुए वो डैमेज टाइल्स को हटाते हुए उसको देखा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम 20th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेल लाइक हॉट केक्स, मतलब गर्म केक केक के जैसा जो है बेचना, मतलब क्या हुआ मतलब कोई चीज़ को बहुत जल्दी बेचना, सेल वेरी फास्ट, गर्म केक उसको बेचना मतलब बहुत जल्दी बेच रहा है कोई चीज़ को, तो हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, चलिए पैसेज को रीड करते हैं। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग डैश द टेम्परेचर इज हीटिंग, हमने बहुत सारा समय जो है दार्जिलिंग में बिताया ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा दार्जिलिंग के बाद क्या आएगा वेदर आएगा या ऑल्दाओ आएगा, ऑल्दाओ द टेम्परेचर इज हीटिंग, वेदर द टेम्परेचर इज हीटिंग, वेदर तो नहीं आएगा यहाँ पे, ऑल्दाओ का यूज़ किया जाएगा, ऑल्दाओ द टेम्परेचर इज हीटिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे ऑल्दाओ यूज किया जाएगा, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग ऑल्दाओ द टेम्परेचर इज हीटिंग डैश ऑल टाइम लो दिस सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा डैश ऑल टाइम लो, तो ए के बाद ऑल टाइम तो नहीं आएगा, यहाँ पे भोवेल ऑल टाइम है तो यहाँ पे भोवेल साउंड है तो यहाँ पे जो है एन यूज किया जाएगा एन ऑल टाइम, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे एन यूज किया जाएगा एन ऑल टाइम लो दिस सीजन वी डिड कैरी डैश, वी डिड कैरी डैश एक्सेप्टेबल कैपेबल एडेक्वेट सेटिस्फैक्टरी, क्या यूज किया जाएगा वी डिड कैरी डैश वार्म क्लोथिंग बट वी कंप्लीटली डैश वी डिड कैरी वार्म क्लोथिंग, वार्म क्लोथिंग हम लोग जो क्या कर रहे थे कैरी कर रहे थे ढो रहे थे, तो ढो रहे थे तो यहाँ पे जो है वार्म क्लोथिंग के लिए जो है सबसे वर्ड है सुटेबल वो एडिक्वेट है, एडिक्वेट मतलब क्या होगा होता है पर्याप्त होता है, हम लोग पर्याप्त जो है गर्म कपड़ा को ढो रहे थे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये सब तो नहीं होगा। अब हमारा 24th को हम सोल्व करेंगे। बट वी कंप्लीटली डैश, बट आया है इसके बाद क्या आता है बट के बाद कोई नेगेटिव वर्ड आता है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से डैश आवर अम्ब्रेलाज, लेकिन हम लोग पूरी तरह से हमने अम्ब्रेला को क्या किया डैश किया, तो चलिए डैश को भरते हैं, फॉरगॉट किया भूल गया अपने छाता को, फेल किया छाता को, फॉइल किया छाता को, फिनिश किया छाता को, यहाँ सबसे सुटेबल क्या वर्ड क्या है फॉरगॉट, हमने अपने छाता को भूल गया नेगेटिव वर्ड यही है और सबसे सुटेबल भी है, फॉरगॉट 24th में भरा जाएगा। अब हमारा लास्ट में क्या भरा जाएगा बट वी कम्प्लीटली फॉरगॉट आवर अम्ब्रेलाज एंड इट हैज़ बिन डैश इवर सिंस वी गॉट हियर, और जो है डैश हो रहा है सुबह से जब तक हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो डैश हो रहा है, तो क्या हो रहा है पोरिंग है स्लैशिंग है ड्रेंचिंग है सोवरिंग है, सोवरिंग मतलब क्या होता है पानी की बौछार होना, यहाँ पर सबसे जो सुटेबल वर्ड है वो पोरिंग होगा, पोरिंग मतलब यहाँ पर होता है मतलब वर्षा बहुत देर से होना बारिश होना, तो यहाँ पे पोरिंग आएगा सबसे सुटेबल वर्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स जो रेस्ट वर्ड है इसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं,
पहला है स्लैशिंग। स्लैशिंग मतलब क्या होता है, चीरना या काटना, चीरना या काटना किसी चीज़ को। सेकंड हमारा क्या है, ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग मतलब क्या होता है, भिगोना, किसी चीज़ को भिगोना या गीला करना। सोवरिंग, सोवरिंग मतलब क्या होता है, पानी की बौछार होना, पानी की बौछार होना। तो फ्रेंड्स ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। बाय।